चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकरर पार्लियामानी कमेटी करेगी। खसूसी कमेटी से मंजूर शुदा आईनी तरामीम का 11 सफात पर मुश्तमिल ड्राफ्ट सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजों में से एक को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाएगा। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम जेरे गौर लाया जाएगा। कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वजीर आजम सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। 12 रुकनी पार्लियामानी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली 4 सेनेटर्स शामिल होंगे। पार्लियामानी कमेटी में तमाम पार्लियामानी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। मुजवजा 26वीं आइनी तरमीम के नए मुसवदे में 26 तरामीम शामिल। नए मुसवदे में एक बार फिर आइनी बेंच तश्कील देने की तजवीज़। जुडिशल कमीशन आइनी बेंचेस और जजों की तादाद का तायुन करेगा। आर्टिकल 184 के तहत अजखुद नोटिस का इख्तियार आइनी बेंचों के पास होगा। आइनी तशरी से मुतालिक केस आइनी बेंचेस के दायरे इख्तियार में आएंगे। आर्टिकल 175A में तरमीम करके जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद बढ़ाने की तजवीज़। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज शामिल करने की तजवीज़। वजीर कानून अटर्नी जनरल और पाकिस्तान बार का नामजद वकील रुकन होंगे। जुडिशल कमीशन में कौमी असम्बली और सैनेट के 2-2 अरकान शामिल करने की भी तजवीज़। आइनी तरमीम को 26वीं तरमीमी एक्ट 2024 का नाम दिया गया। वफाकी काबीना का अजलास आज सुबह 9:30 बजे दोबारा तलब। 26वीं आइनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। मुजवजा आइनी तरामीम आज ऐवान में पेश किए जाने का इम्कान। सेनेट का अजलास आज सुबह 11, कौमी असम्बली अजलास दोपहर 3 बजे होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में अहम मुलाकात। मुजवजा आइनी तरमीम के हतमी मुसवदे पर बातचीत। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का अजलास आज तलब। वज़ीर आज़म नून लीगी और इत्तेहादी अरकान को जहराना देंगे। वज़ीर आज़म अराकीन को 26वीं आइनी तरमीम पर एतमाद मिलेंगे। हमारा दहाइयों से मुतालबा है, आपको हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा और बराबरी का अदालत बनाना पड़ेगा। अगर आप पीटीआई को साथ लेकर आ सकते हैं तो पीटीआई को भी साथ लेकर आए। सब मिलके ये आईनी बेंच वफाक की सतह पे बराबरी की बुनियाद पे एक वफाकी इदारे बनाने का काम हम सब मिलके करेंगे। हमारा रिक्वेस्ट है सियासी जमातों से कि वो आज का ना सोचे, वो मुस्तकबिल के बारे में सोचे। ओपोजिशन दरवाज़ा बंद कर देगी तो मुतनाज़ा रास्ते पर चलना पड़ेगा। मैं इस मुतनाज़ा तरीके पर नहीं चलना चाहता। 2 माह से मुशावरत कर रहे हैं, अब मज़ीद इंतज़ार और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इस्लामाबाद से आइनी बेंच और सूबाई बेंच बनाकर वापस आऊँगा। पूरी कोशिश है आइन साजी इतफाक़ राय से करें। इस्लामाबाद जाकर ओपोजिशन जमातों को कायल करने की आखिरी कोशिश कर रहा हूँ। इन्होंने कहा आइनी अदालत नहीं बेंच होगा। इन्होंने कहा जस्टिस फाइज ईसा नहीं होंगे। इतने समझौतों के बावजूद भी बात न बनी तो अक्सरियत की बुनियाद पर आइन साजी होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बहादुरी से फैज़ाबाद धरने के खिलाफ फैसला दिया। कोई और जज जस्टिस फाइज ईसा जैसा फैसला नहीं कर सकता था। जस्टिस फाइज ईसा से पहले तमाम चीफ जस्टिस डरते थे। आपको हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा और बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। वफाकी अदालत में जो 1 यूनिट कायम है वो ख़त्म हो जाएगा। इस अदालत ने आइन का तहफ़ करना था। इसी अदालत ने आमिर को तरमीम की इजाज़त दी। जज साहिबान ने आइन के बजाय आमिरों का साथ दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में जलसे से खिताब। 26वीं आइनी तरमीम पर मौलाना को मनाने का मिशन। हुकूमती और पीटीआई वफूद के फजल रहमान के घर के चक्कर पर चक्कर। JUI सरबराह से चंद घंटों में दूसरी मुलाकात। मौलाना से इसहाकदार आजम नजीर तारर और नवीद कमर की मुलाकात। मुजवजा आइनी तरमीम के हवाले से तफसीली मुशावरत। फजल रहमान की जानिब से पीटीआई वफ के एजाज में इशाया। बैरिस्टर गोहर, हामिद खान, अली जफर, सलमान अकरम राजा शरीक। आइनी तरमीम और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की भी मौलाना फजल रहमान से उनकी रहाइश गाह पर मुलाकात। 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो कुछ देर में फिर JUI सरबराह से मुलाकात करेंगे। आइनी तरमीम के मुसवदे को मुतफ़िका तौर पर मंजूर किया गया। पार्लियामानी खसूसी कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाह का दावा। काबीना की मंजूरी के बाद मुसवदा पार्लियामेंट में लाया जाएगा। समंदरपार पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया। सैयद खुर्शीद शाह की खसूसी कमेटी के इजलास के बाद गुफ्तगू। खसूसी कमेटी के इजलास में
हतमी आईनी मुसविदे की मंजूरी दी गई। पूरी कमेटी ने मुसविदे की मंजूरी दी। पीटीआई के आमिर डोगर ने भी इतफाक किया है। इतफाक राय से मुसविदे की मंजूरी बहुत बड़ी पेशरफ्त है। सैनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। तहरीकी इंसाफ को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत मिल गई। पीटीआई का 5 रुकनी वफद आज सुबह 8 बजे अडियाला जेल में बानी से मुलाकात करेगा। बैरिस्टर गोहर सलमान अकरम राजा, असद कैसर, हामिद रजा और बैरिस्टर अली जफर शामिल। पीटीआई वफद बानी से आईनी तरामीम पर मुशावरत करेगा। बानी से मुशावरत के बाद पीटीआई अपना ड्राफ्ट मुरतब करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना से इतफाक़ राय तक पहुँच गए हैं। खसूसी कमेटी ने वही ड्राफ्ट मंजूर किया जिस पर मौलाना से बात हो रही थी। बानी पीटीआई से मुलाकात में हिदायत लेंगे। बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक ही आगे बढ़ेंगे। श्रीमान पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन एक्ट में तरमीम हमारे फैसले को खत्म नहीं कर सकती। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से हमारा हुक्मनामा गैर मौसर नहीं होता। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। तफसीली फैसला जारी हो चुका, अब किसी वजाहत की जरूरत नहीं रही। मखसूस नशस्तों का फैसला देने वाले 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की मुतफरिक दरखास्तों पर तीसरी वजाहत जारी कर दी। मखसूस नशस्तों से मुतालिक मुख्तसर फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई। मुख्तसर फैसले के बाद तरमीम फैसले को गैर मौसर नहीं कर सकती। अदालती फैसला आने के बाद इलेक्शन कमीशन इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद का पाबंद नहीं है। इलेक्शन कमीशन मजीद किसी वजाहत के अदालती फैसले पर मिनवन अमल करे। तफसीली फैसले में तमाम तर कानूनी और आईनी निकात का इहाता कर दिया गया। 12 जुलाई के तफसीली फैसले में तमाम सवालों के जवाब दिए गए हैं। ऑफिस अदालती वजाहत फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन और पीटीआई को भिजवाए। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की वजाहत। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन तरमीमी एक्ट के बाद राय तलब की थी। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद का इम्कान। मखसूस नशस्तों से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत अहम मुशावरती इजलास। कानूनी टीम ने इलेक्शन एक्ट पर अमल करने की तजवीज़ दे दी। पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन पर अमल दरामद हर इदारे पर लाजिम है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गैर मुअस्सर हो जाता है। कानूनी टीम ने मखसूस नशस्तों पर मुअत्तल अरकान की बहाली की भी तजवीज़ दे दी। हुकूमत ने आईनी तरमीम के मामले पर जल्दबाजी नहीं की। मौलाना ने रायवंड ऐवान सदर समेत मुतअद्दिद दौरे किए। हमारा इस तरमीम में कोई सियासी फ़ायदा नहीं। अदालती निज़ाम की इस्लाह चाहते हैं। हमारी कोशिश है पीटीआई समेत तमाम जमातें इसका हिस्सा बने। मौलाना फजलुर्रहमान ने सियासी हिकमत अमली का मुजाहरा किया। दाद देते हैं, हमें मौलाना फजलुर्रहमान का वोट और साथ चाहिए। बिलावल भुट्टो ने भी मामले में अहम किरदार अदा किया। आइन ने मुल्क को मुत्तहिद रखा हुआ है। आइन को बरकरार और सरबुलंद रखना हम सब की जिम्मेदारी है। सैनेटर इरफान सिद्दीकी का सैनेट में इजहार ख्याल। छब्बीसवीं आइनी तरमीम थोक बजाकर करने जा रहे हैं। तरमीम के लिए नंबर भी पूरे हैं और नंबरी भी पूरे हैं। जिनका हाजमा खराब था वो ठीक हो चुके हैं। पाकिस्तान को ट्रैक पर लाने के लिए जो जो अमल दरकार होगा वो सब होगा। 26वीं तरमीम के बाद भी काफी खुशखबरियां आएंगी। जिस जगह बानी पीटीआई को ये सब ले गए हैं, मुस्तकबिल में उनको कोई रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। अदालती फैसलों का बस एहतराम ही कर सकते हैं, एहतराम करेंगे। सेनेटर फैसल वावदा की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगु। महंगाई का ग्राफ फिर ऊपर जाने लगा। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.28% इजाफा। महंगाई की सालाना शरह 15.02% हो गई। एक हफ्ते में 19 अशिया महंगी, 9 सस्ती। 23 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। टमाटर 31, दाल मूंग 30, 20 किलो आटे का थैला 38 रुपये महंगा। लहसुन, चिकन, अंडे, मटन, बीफ की कीमतें भी बढ़ गईं। प्याज, चीनी, दाल, माश, चावल, आलू के दाम गिर गए। इदारा शुमारियात की हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी।